हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो कि एक ऐसा केस है जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कल एफिडेविट फाइल किया है। आज हम बात करेंगे सेम सेक्स मैरिज। आपने सुना होगा कि एक लड़का एक लड़की शादी कर रहे हैं, हेटरोसेक्सुअल। बट आज हम जो टॉपिक पे बात कर रहे हैं, ये है सेम सेक्स मैरिज और सेम सेक्स मैरिज की रिकग्निशन की, इसे रिकग्नाइज किया जाए या ना किया जाए। इस टॉपिक पे सुप्रीम कोर्ट में ये केसेस चल रहे हैं, जिस पे कल सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एफिडेविट किया और उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्होंने कहा कि इस चीज़ को पूरी तरह से अपोज किया जाएगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या दलील है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की इस दलील के पीछे का क्या कारण है, थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं डिस्कस करता हूँ। अभी कुछ साल पहले एक केस आया, जस्टिस पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें राइट टू प्रिवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया गया, और जब फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया राइट टू प्रिवेसी को, तो राइट टू प्रिवेसी तो सबकी होगी, फिर वो चाहे सेम सेक्स वाला हो या हेटरोसेक्सुअल हो, मेल फीमेल हो या फिर दो मेल हो, चाहे फिर वो दोनों गे हो या दोनों लेस्बियन हो। फंडामेंटल राइट की जब बात हो गई और जब राइट टू प्रिवेसी को फंडामेंटल राइट बना दिया गया, तो फिर जो सेम सेक्स वाले लोग थे, ये धीरे धीरे बाहर आना शुरू हुए, ये अपनी आवाज़ को बुलंद करना शुरू किए। क्योंकि जब इन्हें पता चला कि अब तो हमारा ये फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रिवेसी, और सारे सेम सेक्स वालों ने जब अपने आवाज़ को बुलंद किया, इसके बाद कुछ लोगों ने कोर्ट को भी अप्रोच कर लिया, और कोर्ट को अप्रोच करते हुए पिटिशनर ने केस दिया। और इसने इन लोगों ने कोर्ट में जो अप्रोच किया, इसमें से पिटिशनर ने केस को लिखा, सुपीरियर एंड अवय हैव बीन अ कपल फॉर ऑलमोस्ट 10 इयर्स, 10 साल से ये लोग रिलेशनशिप में हैं, ये कोई छोटी बात तो है नहीं, 10 साल से हैं। और इन्होंने अभी अपनी 9th सेरेमनी, मैरिज सेरेमनी को मतलब कि सेलिब्रेट किया, रिलेशनशिप की सेरेमनी को सेलिब्रेट किया। तो अब ये लोग चाहते हैं कि जब राइट टू प्रिवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया गया है, तो हमारी शादी को भी सर्टिफाइड किया जाए, मैरिज को रिकॉग्नाइज किया जाए। इसमें बात सिर्फ इतनी सी है इन दोनों कपल की कि ये लोग ऑलमोस्ट 10 ईयर से साथ में हैं, दोनों गे हैं, तो इनकी भी प्रिवेसी है ना, ये साथ रह रहे हैं, बहुत खुश हैं दोनों भी रिलेशनशिप में। तो अब ये कह रहे हैं कि हमें भी मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट मैरिज सर्टिफिकेट देती है ना हर किसी को, हेटरोसेक्सुअल में एक मेल है एक फीमेल है, हमें भी चाहिए मैरिज सर्टिफिकेट। इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या प्रतिक्रिया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने कल एफिडेविट करके किया, जी नहीं 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 नहीं, नहीं। आपको 10 साल से आप हैं, आप 20 साल से साथ रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 2 के साथ रहें, आप 3 के साथ रहें, ये अनलॉफुल नहीं है, आप लॉ के बियॉन्ड जा करके काम करिए। मैं मानता हूं कि ये अनलॉफुल काम नहीं है, आप रहें, आप जिंदगी भर रहें, आप सेम सेक्स वाले हैं, आप साथ रह सकते हैं, लेकिन हम इसे रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा हम इसे रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके पीछे क्या दलील दी इस पर चर्चा करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि एक मेल एक फीमेल, इन दोनों से एक बच्चे एक मेल और फीमेल के साथ रहने पे जो बच्चे होंगे, इन्हें हम फैमिली रिकॉग्नाइज करेंगे, इन्हें हम सर्टिफिकेट देंगे। आपको साथ रहना है, आप गे हैं, सेम सेक्स वाले हैं, आप साथ रह सकते हैं, लेकिन हम इसे रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? चूंकि जो भी हमारे चैनल को देख रहे हैं, जो भी लॉ स्टूडेंट हैं, इन फ्यूचर में अगर आप एक अच्छे लॉयर बनेंगे, तो आपको आर्गुमेंट करने पड़ेंगे ना। सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि इंडियन फैमिली यूनिट में हम क्या मानते हैं और हम क्या समझते हैं, एक बायोलॉजिकल मैन एक बायोलॉजिकल वुमेन विद चिल्ड्रेन, इस वेडलॉक से जो बच्चे होंगे, हम उसे फैमिली रिकॉग्नाइज करेंगे, हम उसे मान करके चलेंगे और हम ही उसे रिकॉग्नाइज करेंगे। इससे कुछ भी डिविएशन होगा, इसमें कुछ भी चेंजेस होगा, हम उसे रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। फिर आप चाहे 10 साल से सेक्सुअल रिलेशनशिप में हो, आप दोनों सेम सेक्स के हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दोनों साथ रह सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम इस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं करने जा रहे हैं किसी भी दिशा में नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे क्लैरिफाई करते हुए कहा, और भी अच्छे से क्लैरिफाई करते हुए कहा,
बायोलॉजिकल मैन एज अ हस्बैंड, बायोलॉजिकल वुमेन एज अ वाइफ, और इस वेडलॉक से जो बच्चे होंगे हम केवल और केवल इसे ही रिकग्नाइज करेंगे। आप दोनों सेम सेक्स के हैं, आप दोनों 10 साल से हैं, आप दोनों 20 साल भी साथ रहे, पूरी जिंदगी साथ रहे, आपको सर्टिफिकेट क्यों चाहिए? आप इसे रिकग्नाइज क्यों करना चाहते हैं? आपको इस चीज का सर्टिफिकेट क्यों चाहिए? आप इंजॉय कीजिए, आप रहिए, साथ रहिए, इससे गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं है। इस पे पिटिशनर जो थे उन्होंने कहा कि ये तो हमारी राइट है, फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्राइवेसी, जिसे अभी कुछ साल के पहले जो केस का मैंने चर्चा किया उस पे बताया कि राइट टू प्राइवेसी है, इसे फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया गया है। पिटिशनर ने अपनी दलील देते हुए कहा कि जब ये मेरा फंडामेंटल राइट है कि मैं किससे शादी करूंगा या करूंगी, सॉरी यहाँ तो करूंगा ही होगा, दोनों सेम सेक्स के हैं, गे हैं दोनों, तो ये मेरा फंडामेंटल राइट है ना, आप इसे इन्फ्रिंज कैसे कर सकते हैं? ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है, मैं चूज करूंगा ना कि मैं किससे शादी करूंगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा आर्टिकल 21 को आप इतना भी एक्सटेंड मत कर दो कि फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप को आप फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दो, ये फंडामेंटल राइट नहीं हो सकता। ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी दलील एफिडेविट करके कल की बात है, कल उसने डाला है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये भी कहा आपको एसोसिएशन बनाने का अधिकार है, आर्टिकल 19 के तहत आप जाइए ना, आप जाइए, एक के नहीं दो के साथ रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे लाइफ रहिए। सर्टिफिकेट क्यों चाहिए आपको? सर्टिफिकेट क्यों दे स्टेट गवर्नमेंट? इस चीज को कभी भी स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज नहीं करने जा रही है। क्लियरिफाई करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एफिडेविट में इस बात को कहा, गवर्नमेंट का जो इंटेंट है हस्बैंड वाइफ और बच्चे, अब ये कह रही है गवर्नमेंट कि आप इसे रीड डाल करके क्या करना चाह रहे हैं? पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया है आप उसे कोर्ट के माध्यम से विच इज नॉट परमिशेबल, कोर्ट के माध्यम से भी आप इसे रीराइट नहीं कर सकते हैं, आप इसे रीराइट नहीं कर सकते हैं लॉ को, आप इसे इंटरप्रेट कर सकते हैं लेकिन रीराइट नहीं कर सकते हैं, कोर्ट के माध्यम से भी आप किसी इंटेंट को चेंज नहीं कर सकते हैं।